नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं जूना पीठ की स्वामी चेतनानंद गिरी जी। ये जो कुंभ मेला है, आस्था का मेला है, आप आते हैं कैसा? बहुत अच्छा लगता है। ये संतों का मेला है और संतों के प्रति जो आस्था है, कुछ लोग यही सकारात्मक और नकारात्मक की वजह से है, क्योंकि अगर आस्था नहीं रहेगी तो ये संत समाज ही खत्म हो जाएगा। तो संतों का मेला संत आते रहेंगे आते रहेंगे और संतों के प्रति श्रद्धा तो सभी की बनी रहनी चाहिए, क्योंकि संत है, आज भी है, तपस्वी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से संत खत्म हो जाएंगे या संतों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज में हमारे सब तपस्वी आज भी वैसे ही अंडरग्राउंड में रहते हैं। हर तरह के संत मिलते हैं, कोई अपना आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं धार्मिक, तो धार्मिक पुस्तकों का जो विषय है धार्मिक पुस्तकों की लोकप्रियता वैसी ही बनी हुई है। मेरा जो है आध्यात्मिकता पे लिखना, आध्यात्मिकता एक सबसे ऊंचा विषय है, कर्म कांड से ऊंचा है। जब हम आध्यात्मिकता में हमारे दसवां द्वार खुलता, मैंने सारे उन्हीं रहस्यों के बारे में लिखा है। मैंने पहली पुस्तक लिखी है जाग जा, वो आ गई चेतन, दिव्य अनुभूति लेकर। दिव्य अनुभूति मीन्स जो हमें अंदर से परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो एक अलग विषय आध्यात्मिकता। इसी बिरले पर ये कृपा होती है, कोई बिरला ही उसके दर्शन कर पाता है। तो मैं उसके और मैं साधारण ही रहना चाहती हूँ। मेरे जो आध्यात्मिक गुरु या ब्रह्म ज्ञानी गुरु थे, उन्होंने जो युक्ति और भुक्ति मुझे बताई थी मंत्र की, मंत्र तो सभी जप रहे हैं, तपस्या सभी कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभूति किसी गिरने को होती है। उसके लिए मैं बड़ी परमात्मा की सबसे पहले उसी का धन्यवाद करती हूँ। उसने ऐसे गुरुओं से मिलाया, आचार्यों से मिलाया और मुझे उस ज्ञान की अनुभूति हुई और मैंने पूरा किया उसी ज्ञान में, और उसी के बारे में मैंने लिखा। आज मैं लेकर नहीं आई पुस्तक, नहीं तो आपको दिखाती। मैं अभी मैं एक पुस्तक का मैं अपने गुरु जी हरिगिरि महाराज जो अध्यक्ष हैं हमारे, उसके जुड़ा कार्य के मेल है, तो उनसे मेरे को विमोचन कराना था। उनको समय नहीं मिला, कई बाहर से आए थे, वो भी बड़े निराश होकर चले गए। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो कराएंगे। अजमी जी, एक बड़ा इशू राम मंदिर निर्माण को लेकर, आपका क्या मानना, उसका क्या मानना? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये सब जो मेरे को जितना पता है, मैं ज्ञान की और अपने संत समाज की और इसी मंदिर निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए। हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, राम हमारे इष्ट है और राम जी हमारे, राम तो फिर हिंदू समाज का एक मजबूत स्तंभ है, होना चाहिए। इसके लिए तो सभी इतना प्रयास कर रहे हैं, सभी इसीलिए हिंदू समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है अगर हमारे राम जी का मंदिर निर्माण होगा तो, और बहुत अच्छा है। इसके बारे में तो ये कहिए तो बहुत अच्छा। ये थी साध्वी जी, जो बचपन से संन्यास धारण करके धर्म की जगाने निकली। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।